साइज भी कट करेंगे। अब हम ऐसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और यहाँ हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पर हमें ऐड करना होगा सोया सॉस और आधा नींबू निचोड़ना होगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए कोट दे 30 मिनट्स। समोसा पट्टी लेंगे थ्रेड्स बनाने के लिए और शीट्स को अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें शीट्स को कट करना होगा इस तरह। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिनट्स हो चुके हैं। अब हम ये थ्रेड्स को एक प्लेट में लेंगे और इसे चिकन के साथ कोट करना है। अच्छी तरह से कोटिंग करें, चिकन थ्रेड से कवर हो जाना चाहिए। थ्रेड में ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। सारे चिकन को थ्रेड से कोट कर लेंगे। उसके बाद इन सब को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल हमने गरम किया है। नेक्स्ट हमें सारे चिकन थ्रेड्स को फ्राई करना होगा। 15 मिनट्स फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमारे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब हम ऐसे हाई सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए कितने क्रंची और टेस्टी चिकन थ्रेड बनकर तैयार हुए हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।